माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, सभी सदस्यगण और सभी मंत्री, सबको प्रणाम करते हुए आज मेरा पहला प्रश्न है। चलिए, अच्छा पूछिए। क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, नामांकन, बटंकन, फौज, नवीन किसान पुस्तिका, निर्माण खाता, बंटवारा आदि राजस्व के मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित हैं? उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाए जाएंगे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? बैठ जाइए, प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चाहा कि रायगढ़ जिले में डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, भौतिक नामांकन के कितने प्रकरण लंबित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रायगढ़ जिले में नामांतरण के 747, डायवर्सन के 205, सीमांकन के 706, बटांकन के 25, ऋण पुस्तिका के 11, खाता बंटवारा के 299, इस तरह से कुल मिलाकर के 1960 प्रकरण रायगढ़ जिले में लंबित हैं। और माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में रायगढ़ जिले में राजस्व मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या 1960 बताई गई है एवं पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा इस प्रश्नों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए विकास खंड स्तर पर शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी और आरआई के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें इनके लंबित होने के कारण ये क्यों हो सकते हैं कि कभी कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते या कभी गवाह उपस्थित नहीं होते या कभी तमिल नहीं हो पाते, इनके कारण लंबित है। और जैसे कि कहा कि कब तक इसका निराकरण कर लिए जाएंगे, तो इसके लिए समय सीमा निर्धारित है कि जो अविवादित प्रकरण है जिसमें किसी भी तरह की विवाद नहीं है उनका समय निर्धारण 3 माह का है और विवादित में 6 माह का। अभी बंटवारा, नामांकन, सीमांकन के जो लंबित प्रकरण हैं इनका त्वरित निराकरण हो, भूमि स्वामी और किसानों को सहूलियत हो, इसके लिए हमने अभी पूरे प्रदेश में 3 स्तरीय शिविर का आयोजन किया था। एक राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पे, एक तहसील स्तर पे और एक जिला स्तर पे, और तीनों स्तर पे शिविर का आयोजन हुआ, निराकरण हुआ और इसका रिपोर्ट भी अभी शीघ्र आने वाले हैं कि प्रदेश में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने लंबित हैं। प्रयास यह है कि किसानों को भटकना मत पड़े और उनके प्रकरण का शीघ्र निपटारा। विद्यावती जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र